सैट्स के कुछ प्रैक्टिकल ऑपरेशंस यानी कुछ फॉर्मूलाज हमने किए थे, उसी के बेस पे आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 हमारे स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की। चलिए देखें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपके पास। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 17, एन ऑफ वाई 23, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई 38, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फॉर्मूला किया था। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारे पास गिवन है एन ऑफ एक्स यानी कि एन ऑफ ए 17, एन ऑफ वाई एन ऑफ यूनियन दे रखा है, आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसको आप एक्स एंड वाई में भी लिख सकते हो, एक्स यूनियन वाई दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स यूनियन वाई की वैल्यूज क्या दे रखी है आपके पास, 38, एन ऑफ एक्स 17 प्लस एन ऑफ वाई इज 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हम इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉजिटिव हो जाएगा एन ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 एंड 23 40 माइनस, इसको इधर ले जाओ 38, तो आंसर क्या आया आपके पास 2, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स एक्स एंड वाई हैज 18 एलिमेंट, एक्स हैज 8 एलिमेंट एंड वाई हैज 15 एलिमेंट, यानी आपके पास गिवन है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई दिस इज 18 एलिमेंट दे रखे हैं, एक्स के पास 8 एलिमेंट है यानी कि एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8, वाई के पास कितने एलिमेंट है 15, एन ऑफ वाई इज 15, हाउ मेनी एलिमेंट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई, आपको फाइंड आउट करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना है, सेम टू सेम इसी फॉर्मूलाज में पुट करेंगे हम, ये फॉर्मूला उठा लो, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई दे रखा है 18 दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स 8 प्लस 15 एन ऑफ वाई एंड माइनस ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई दिस इज इक्वल टू 15 और 8 23 माइनस 18 को इधर ले आइए, याद रहे 23 माइनस 18 कितना बन जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 250 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और 200 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आपको बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रुप कितने लोगों का है, 400 लोगों का। अभी हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, फर्स्ट हम ये ले लेते हैं कि ए सेट हमने उठा लिया जो हिंदी बोलते हैं और बी सेट हम ले लेते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, एंड बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ए सेट हमने लिया जो हिंदी बोलते हैं, बी सेट हमने लिया जो इंग्लिश बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन कॉमन नंबर होते हैं, जैसे हम कॉमन एलिमेंट उठाते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या चाहिए हमें, ऐसे लोग बताने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी दिस इज, ये क्या बनेगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी बी द सेट ऑफ पीपल
who speak Hindi and English both. बहुत मतलब इंटरसेक्शन भी वो सेट हो जाएगा जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, 400 पीपल्स है ग्रुप में. इसका मतलब ये हो गया ए यूनियन बी, यानी कि टोटल पीपल 400 है. ठीक है, एन ऑफ ए क्या गिवन है, एन ऑफ ए मतलब जो हिंदी बोलते हैं. ए सेट हमने क्या लिया, जो लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी आपके पास क्या है, आपके यहाँ से 250 लोग बोल रहे हैं. हाँ जी 250, और एन ऑफ बी 200 लोग, 200 पीपल. ठीक है, ये हो जाएगा एन ऑफ बी. आपको क्या निकालना है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पीक करते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. फॉर्मूला क्या था हमारा, एन ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज 400, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे. यूनियन दे रखा है 400, एन ऑफ ए दे रखा है 250, एन ऑफ बी 200 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए. दिस इज 450 माइनस 400, ये हो जाएगा आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एस एंड टी आर दो सेट दे रखे आपके पास. एस हैज़ 21 एलिमेंट है, टी के पास 32 एलिमेंट है, एंड इंटरसेक्शन के पास है 11 एलिमेंट. आपको निकालना है एस यूनियन टी. वेरी इजी क्वेश्चन. एन ऑफ एस क्या गिवन है, 21. एन ऑफ टी 32 एंड एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज 11. सिंपल हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. एन ऑफ एस यूनियन टी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी. यूनियन निकालना ही है आपको, किसके अंदर कितने नंबर आएंगे, तो एन ऑफ एस यूनियन टी हमें फाइंड आउट करना है. वैल्यूज रख दीजिए 21 प्लस 32 माइनस 11. ठीक है, 21 एंड 32 53 माइनस 11 दिस इज 42. ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन पांचवा आपके पास गिवन है, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई हैज़ 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन हैज़ 10 एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव. घूम फिर के वही आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज अलग अलग निकाल रहा है बस. यहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y में कितने नंबर होंगे ये आपको निकालना है. आपके पास गिवन क्या रहेगा, x के पास 40 एलिमेंट हैं, n ऑफ x इज इक्वल टू 40 एंड यूनियन दे रखा है 60 एलिमेंट है, x यूनियन y इज इक्वल टू 60 एंड इंटरसेक्शन के पास 10 एलिमेंट है, n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10. एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन ऑफ वाई आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. यूनियन की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, एक्स के पास 40 एलिमेंट प्लस एन ऑफ वाई हमें निकालना है माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है 10. ठीक है, 60 इज इक्वल टू 40 में से 10 माइनस करो 30 प्लस एन ऑफ वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, यानी एन वाई में आपके पास कितने नंबर होंगे, 30 एलिमेंट आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन होगा, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोग हैं आपके पास ग्रुप में. ठीक है, 37 लाइक्स कॉफ़ी, 52 लाइक्स टी. 37 लोग ऐसे जो कॉफ़ी पसंद करते हैं,
और 52 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं. एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. यानी कि जो 70 आपके पास टोटल हैं, 70 टोटल पर्सन हैं, इनमें से ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो या तो कॉफ़ी ना पीता हो या फिर चाय ना पीता हो. यानी 70% टोटल ऐसे हैं जो कम से कम एक ड्रिंक जरूर लेते हैं, या तो कॉफ़ी या फिर टी या फिर दोनों भी लेते हैं. ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी पीपल बोथ लाइक कॉफ़ी एंड टी. तो आपको बताना है कि जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते होंगे वो लोग बताइए कितने हैं इसके अंदर. चलिए हम लेट कर लेते हैं ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी एंड बी बी द सेट of people who like tea. ठीक है, तो according to our question n of 70 total हैं तो union हो जाएगा. total हम a और b के total number union में लेते हैं तो 70 हो गया union, क्योंकि total जो होता है वो union में लेके चलते हैं. ठीक है, फिर कहते हैं कि coffee पीने पसंद करने वाले हैं 37. कॉफ़ी के लिए हमने क्या सेट लिया है, ए सेट लिया है. तो यहाँ पे आप लिखोगे n ऑफ a इज इक्वल टू 37. एंड 52 टी लाइक करते हैं तो n ऑफ b कितना हो जाएगा, 52. n ऑफ b मतलब b सेट हमने लिया है जो लोग चाय पसंद करते हैं. ठीक है, तो n ऑफ b हमारा हो जाएगा 52. आपको फाइंड आउट करना है कि जो दोनों लोग यानी सॉरी दोनों ड्रिंक कॉफ़ी और टी जो लोग दोनों को पसंद करते हैं वो निकालिए. यानी कि कॉफ़ी भी और टी भी, इसका मतलब कॉमन होना चाहिए. कॉमन के लिए क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन. तो आप फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ आपको निकालनी है. फॉर्मूले में रख दीजिए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर लेंगे. इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, यूनियन की वैल्यू 70 दे रखी है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए 37 प्लस एन ऑफ बी 52 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, दिस इज 89. ठीक है, माइनस 70 कर देंगे, कितना बच गया, सॉरी 19. तो आपके पास एन ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, 19. यानी 19 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए. क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट. 40 पीपल क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. 10 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन में आ गया. हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, आपको बताना है कि केवल ऐसे लोग बताओ जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं. एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, और ये बताना है कि कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं. अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसने यहाँ पे पूछा कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली. ओनली का मतलब ये आ जाता है कि केवल ऐसे लोग बताने हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेनिस, यानी जो क्रिकेट को पसंद नहीं करते. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस, यहाँ पे ओनली नहीं लगाया इसने कि टेनिस कितने पसंद करते हैं. अब यहाँ पे ये यह हो सकता है कि जो लोग टेनिस पसंद करता है वो क्रिकेट भी पसंद कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेनिस का निकालना है, तो ऐसे लोग निकालने हैं जो टेनिस तो पसंद करते ही करते हैं, क्रिकेट भी हो सकते हैं. ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका. लेट ए be the set of people who like cricket. जो क्रिकेट पसंद करते हैं उन लोगों के हमने सेट बना लिया, उसको नाम दे दिया ए. एंड बी सेट ले लेते हैं, बी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस. बी हमने वो सेट लिया जो लोग टेनिस पसंद करते हैं.
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, ग्रुप में लोग हैं टोटल 65, दैट मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 65। 40 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट के लिए हमने कौन सा सेट उठाया, ए सेट, यानी ए में कितने नंबर आ गए, 40, जो लोग केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, यानी आपके पास गिवन है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज 10 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एन ऑफ बी निकाल सकते हैं, और बी क्या है, बी विद द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, यानी कि जो लोग टेनिस पसंद करते हैं। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा हाउ मैनी लाइक टेनिस, कि कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, वो आ जाएगा एन ऑफ बी, यानी कि ये आपको निकालना है एन ऑफ बी, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी 65 इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस 10। सॉल्व करेंगे इसको, एन ऑफ बी की वैल्यू हमें चाहिए, 40 में से 10 माइनस करो 30, 30 को इधर ले आओ, 65 माइनस 30, ठीक है, ये आ गया 35, यानी कि एन ऑफ बी आ गया आपके पास 35। तो एन ऑफ बी इसके अंदर 35 नंबर आ जाते हैं। तो हमें हमारे पास किसका आंसर मिला, दिस इज द, ये आ गया पीपल हु लाइक टेनिस, जो लोग टेनिस पसंद करते हैं, इनमें वो लोग भी हैं जो टेनिस तो ये सारे के सारे करते हैं, 35 में 35, बट इनमें से कुछ लोग क्रिकेट भी पसंद कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्रिकेट की कंडीशन नहीं दी। नेक्स्ट जो आपके पास है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। ओनली के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, टोटल पीपल आपके पास है 65, यानी इसके अंदर जो है यूनियन हमारे पास आ गया ए यूनियन बी कंप्लीट, जो आपके पास सबसे बड़ा सेट यहाँ पे यूनियन ही है, इसके अंदर 65 पर्सन है, या फिर इसको यहाँ मत लिखो, नीचे लिख लो इसको, इसमें हम ये लेके चलते हैं, ए सेट हमारा बी सेट यूनियन में, यानी कि टोटल जो आपके पास 65 पर्सन हो गए, ये कितने दे रखे हैं इंटरसेक्शन में, ये दे रखे हैं 10 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, ये क्रिकेट पसंद करते हैं, ये लोग टेनिस पसंद करते हैं, और 10 ऐसे हैं जो हमारे इंटरसेक्शन में आते हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, और टोटल हमारे पास 65 है। अब हमें पूछा गया है कि केवल टेनिस पसंद करें वो निकालो, अब ये तो है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट और ये टेनिस के लिए, बी सेट हमने टेनिस के लिए लिया है, तो जो लोग टेनिस केवल टेनिस, अब इसमें अगर हम बी सेट पूरा देखें तो 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, बट हमें क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं, तो हमें ये वाला सेट चाहिए, दिस इज जो हमें ये यहाँ से दिस, हमें इसके नंबर चाहिए। अब ये हमारा क्या बनता है, ये बनता है बी माइनस ए, यानी कि बी में से हमने ए के नंबर निकाल देने हैं, ठीक है। आपको फिर निकालना है टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें निकालना है एन ऑफ बी माइनस ए। अब एन ऑफ बी किसके इक्वल, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता कि ये किसके इक्वल होता है, तो एन ऑफ बी हमारा किसके इक्वल होता है, कंप्लीट एन ऑफ बी इज इक्वल टू ये सेट मिला हमारा, दिस इज, और एक ये सेट मिला, अगर मैं इन दोनों सेट को जोड़ देती हूँ तो कंप्लीट हमारा बी सेट बन जाता है। तो ये हमें पता है ये क्या है, दिस इज द इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, और ये बाहर वाला सेट एन ऑफ बी माइनस ए, हमें वैल्यू इसकी चाहिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, यानी एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या किया है, इसको हम इधर लिखा, बस मतलब रखा इसको इधर ही है, इसको उठा के इधर ले गए, ठीक है। तो इसको यहाँ लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, ओके तो अब वैल्यूज निकाल लीजिए इसकी, एन ऑफ बी की वैल्यू हमने निकाल ली है 35 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 10, आंसर आ गया 25। तो 25 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से करना। 8वां क्वेश्चन गिवन है,
इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच. 50 पीपल ऐसे हैं जो आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. 20 स्पीक्स स्पेनिश, 20 पीपल स्पेनिश बोलते हैं. एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच. 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं. हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस. आपको बताना है कि कितने लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोले. दोनों भी बोल सकते हैं. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो बोलते ही बोलते हो, दोनों भी बोल सकते हैं उसके अंदर. ठीक है, देखिए क्या गिवन है, सॉल्यूशन हम करते हैं इसका. मान लेते हैं ए हमारा जो सेट है वो फ्रेंच बोलने वालों का है. ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच एंड बी बी द सेट सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पैनिश. ठीक है, ए हमने लिया जो फ्रेंच बोलते हैं, बी सेट लिया जो स्पेनिश बोलते हैं. ठीक है, अभी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन है. कहते 50 पीपल फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि ए सेट के नंबर आ गए 50. ये हमारे पास जो फ्रेंच बोलने वाले हैं. 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश के लिए हमने बी सेट लिया है. एन ऑफ बी क्या आ जाएगा, 20. फिर कहता है कि बोथ जो है वो 10 पीपल हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा 10. निकालना क्या है, हाउ मैनी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस. कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हो. आपने यूनियन पढ़ा है, दो सेट के यूनियन का मतलब क्या होता है. दो सेट के यूनियन होता है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी. या तो वो ए में बिलोंग करे या वो बी में बिलोंग करे. अभी हमें ये तो निकालना है कि ऐसे लोग जो कम से कम एक जरूर बोलते हो, या तो वो स्पेनिश बोलते हो या फिर वो फ्रेंच बोलते हो, कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हो. तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से यूनियन निकालना पड़ेगा. कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आपको यहाँ पे एटलीस्ट दे दिया तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है. तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है आपको यहाँ से. एन ऑफ ए वही सेम टू सेम फॉर्मूला, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे. एन ऑफ ए की वैल्यू 50, एन ऑफ बी की वैल्यू 20 माइनस इंटरसेक्शन दे रखा है 10. कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज 70 माइनस 10 इज 60. यानी कि 60 लोग ऐसे हैं जो आपके पास, तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो 60 पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस. ठीक है, तो 60 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो दोनों लैंग्वेज में से कम एक जरूर बोलेंगे. तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.6. यहाँ पे आपके पास सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. जो आपके पास लास्ट एक्सरसाइज बचती है मिसेलियस क्वेश्चन, उसमें क्या होता है कि पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाती है और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो वो हम और भी अच्छे से करेंगे जितना हमने एक्सरसाइज भी अच्छे से की है. तो इनको आप ट्राई कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.